जय हिंद दोस्तों, फौजी फर्नीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप थ्री बेस्ट मिनी एयर कूलर। जी हाँ दोस्तों, ये एयर कूलर ऐसे हैं कि आपके किचन में, आपके ऑफिस में, आपके एक रूम में बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करने वाले हैं, बहुत ही गजब की कूलिंग करने वाला कूलर। जैसे मैं कूलर की बात करता हूँ, ये मिनी एयर कूलर आपके किचन के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपके काउंटर के लिए सबसे बेहतरीन कूलर होगा। ये आप देख सकते हैं, पूरे कूलर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब का कूलर होगा। बनावट इसकी अच्छी होगी, तो टावर कूलर के हिसाब से बनाया गया होगा, टावर फैन के हिसाब से बनाया है कूलर। ये आप देख सकते हैं, ये टावर फैन का बनाया गया है। इसमें देखिए, इसमें जो मोटर लगी हुई है, ब्लोअर कूलर भी इसको बोलते हैं। अगर आप ये कूलर कहीं भी सर्च करेंगे, ब्लोअर कूलर के नाम सर्च करेंगे, तो ये ब्लोअर कूलर के नाम से भी सर्च में आ जाए कूलर। इसको ब्लोअर कूलर भी कहते हैं। इसमें जो मोटर लगी होती है, ये सबसे नीचे मोटर लगी होती है यहाँ पे, और ये जो आपके ब्लोअर लगा हुआ है, ये यही राउंड करता है, यही घूमता है, और इसको कैरी करना बहुत ही आसान है। आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, उठा के कहीं ऑफिस पार्टी, कहीं बाहर अगर आउटडोर पार्टी करनी है, लाइट का सुविधा है, तो आप इसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं। कैरी करना बहुत आसान है, कार में, बाइक में, साइकिल में भी रख के जा सकते हैं इसको। और ये इसका रेट बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला है आपको। और इसकी स्पीड अगर मैं बात करूँ, तो ये इसकी स्पीड 25 से 30 फीट के रेंज में एयर फ्लो है इसका, 25 से 30 फीट के रेंज में एयर फ्लो करता है। ब्लोअर कूलर है, इसको कैरी करना बहुत ही आसान है, आप किसी भी तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये कूलर जो है बहुत गजब का कूलर होगा, मिनी एयर कूलर के नाम से जाना जाता है, ब्लोअर कूलर के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करता हूँ मैं अगर आपको, ये वाला ये कूलर बहुत ही बेस्ट, अब तक का सबसे बेस्ट रेंज का कूलर है। इसका प्राइस, इसकी क्वालिटी, इसका फाइबर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होगा। ये आप देख सकते हैं, पूरे कूलर का व्यू देख सकते हैं इसमें। और ये पानी वाला कूलर है, इसमें आप वाटर टैंक बना हुआ है, ये वाटर इंटीग्रेटर लगा हुआ है, और इसमें सबसे खास बात दी है, इसमें पैड का कूलर है, ये हनी पैड का कूलर है, इसकी वो हनी कॉम भी बोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज का है ना, बहुत खूबसूरत। और तीन तरफ पैड लगा होगा, ना कि एक तरफ, तो देख सकते हैं तीन तरफ पैड लगा होगा। ये पानी डालने वाला सिस्टम होगा, यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं, और इसमें लगभग 20 से 25 लीटर पानी आता है। ये आप देख सकते हैं, ये पैड वाला कूलर है, इसको भी कैरी करना बहुत आसान है, आप कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं इसको। और इसमें एक खास बात, बहुत ही बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही गजब की चीज़, वो बहुत ही गजब की चीज़ ये है, जिसमें बना हुआ है आइस चैम्बर। ये आप देख सकते हैं, ये आइस चैम्बर बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये। आपका आइस, यहाँ से आपका पानी जो जाता है, यहाँ से जाता है, ये सिस्टम बना हुआ है आइस चैम्बर का, बहुत ही गजब की चीज़ बनी हुई है आइस चैम्बर। थोड़े से बर्फ़ निकालिए और इसमें डालिए, तो ये मान के चलिए कि आपका एसी का मज़ा ये छोटा सा कूलर देगा, एसी का मज़ा छोटा सा कूलर देगा। आप अपने रूम में, अपने काउंटर पे, अपने किचन पे, या कहीं पे भी आप रखना चाहते हैं, तो बेहतरीन और बेस्ट से बेस्ट ठंडी हवा के लिए सबसे गजब का कूलर है ये। और कैरी करना भी आसान है, सस्ता कूलर है, रेंज बहुत अच्छी है, रेंज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बात करते हैं ये मिनी टावर की, ये मिनी कूलर आया है टावर में विद स्टैंड। ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा लुक देख लीजिए, इसका स्टैंड भी होगा साथ में कूलर के। ये आपका टंकी होगी, समथिंग 45 लीटर की टंकी होगी इसकी। इसकी आउटो स्विंग जो होगी, फ्रंट में आउटो स्विंग होगी, जो आपको लगा हुआ है, आउटो स्विंग लगी हुई है, दो बटन दिए गए हैं इसमें। इसकी इसके कूलर का साइज लगभग 2.5 से 3 फीट का साइज है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी पैड लगा हुआ है, हनी कॉम इसमें भी लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, तीनों तरफ हनी कॉम लगा हुआ है, पानी डालने का सिस्टम ये है, और ये देख लीजिए तीनों तरफ हनी कॉम लगा हुआ है, और बेहतरीन चीज़ है, क्वालिटी नंबर एक है, फाइबर क्वालिटी नंबर एक है। अगर एक बार आप इसको खरीदते हैं, तो कम से कम 5 से 7 साल कूलर चलने वाला है। हनी कॉम इसकी हर 3 साल में आप बदलाते रहिएगा, नहीं बदलाते हैं तो इसमें एयर के जरिए से सफाई होती है हनी कॉम की, तो साफ भी हो सकता है हनी कॉम। और इसकी कूलर की लाइफ कम से कम 5 से 7 साल है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का कूलर है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सा कूलर सबसे अच्छा लगा, प्राइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक नहीं करते हैं, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, वो जाकर जरूर चेक करिए। और इंस्टाग्राम की लिंक और फेसबुक की लिंक नीचे दी गई, उसको जरूर से जरूर फॉलो करें। और जो कूलर आपको अच्छा लगा हुआ, उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा कूलर आपको पसंद आया है। जय हिंद, जय भारत।